पता नहीं कौन सी नस्ल का रेडर हमारी गाड़ी के अंदर लगा हुआ है। की लाटो की जगह हलीम आटो आ गए, बहुत नाजुक सूरत आ गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों तुहाड़ी खिदमत हाज ने, और अभी मौजूद अपने ताजमहल में, ताजमहल बोल तो अपने कमरे के अंदर मौजूद है, जहाँ पे जी हम फोटो लेना पैके चिल करते हैं और जैसा आप चेक कर सकते हैं मेरे बैकग्राउंड के अंदर आपको कहीं भी कम्बल शंबल का नाम निशान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उस ताज जी बाहर तपती तपती धूप निकली हुई है, बाहर फुल टाइम जी तंदूर सिस्टम हो गया। आप थोड़ा बहुत अभी धूप में बाहर जाए तो आपको ऐसा लगता है जैसे धूप आपके मुंह पे चपेड़े में आ रही है, और इस तपती तपती धूप वाले मौसम के अंदर आपका भरा पी रहा जी तपाल दानेदार लगे ठाक करके वाली चाय, क्योंकि उस ताज मेरा गला सेवन अप हो गया जी। ओ पुत्र ये मेरी जगह साइड से हो जा। हेलो हेलो जी हेलो ओ हेलो ओ बैरी औरत साइड से हो जा पुत्र, साइड से हो जा, ये मेरी जगह है, सैरते हो चल सैरते हो, न जा तो न जा, उधर उतरो नीचे, और चल सैरते हो जाओ ना उस्ताद जी मुमताज मंगा फुल टाइम सिरका लाइफ स्टाइल में आ गया, नीचे उतर ही नहीं रही, उतर जाए मैं वीडियो बनानी है, उतर चल उतर 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 डी खैर उस्ताद जी सिरका लाइफ स्टाइल, सिरका लाइफ स्टाइल बदमाशी का रही है, तू बदमाशी का रही है, चलो तो जा चल ना जा। मुमताज बेगम को हमने कुर्सी से साइड पर किया है, तो यहाँ पे हमारी चप्पल के ऊपर कब्जा करके बैठी है जी, बकरी अपने पैर पर आके बैठ गया, और तेनों की मसला है दस, तेनों की मसला है, तेरी अपनी जूती कितने है दस, तेरी जूती कितने है, ऐसे करते हैं शर्म नहीं आती है, टाओ चल ना जाओ हूँ ठीक है। और आज हम जान जी एक बार फिर खान खलू की धरती के ऊपर, ताकि अफशी ब्लैक के पिछले वीडियो में जितने काम शाम रह गए थे उनको हम मुका सकें। सबसे पहले हमने जाके अफशी ब्लैक के रेडिएटर का कोई हिसाब किताब लगाना है, क्योंकि जैसा आप लोगों को मालूम है कि हमारे रेडिएटर के थल्ले घर के बीच में है जी इतनी बड़ी मोरी जिसमें से हो रहा पानी लीक, उसके अलावा रेडिएटर की जो फ्रंट वाली जालियां शानियां वो भी काफी ज्यादा बंद शांत हुई हैं, तो इस वजह से हम रेडिएटर को रिपेयर शेयर करने के चक्कर शक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़े, और सीधा जाके उस रेडिएटर की हम करा देंगे गाड़ी के छुट्टी, और उसी जगह फ्रेश कार भी नया रेडिएटर करेंगे जी गाड़ी के विच खुड़ी, उसके बाद जाके हमने अच्छी ब्लैक नवे हैवी ड्यूटी मोड्स का हिसाब किताब लगाना है, कौन से हैवी ड्यूटी मोड्स, तो जैसा आप लोगों को मालूम है कि हमारी गाड़ी के अंदर स्टॉक क्लच नहीं है बल्कि आफ्टर मार्केट 5 पर क्लच है, जिसकी ग्रिप बहुत ज्यादा अग्रेसिव होती है, पावर शिफ्टिंग के दौरान आपका इंजन और गियर बहुत ही हैवी किस्म का झटका खाता है, और अगर इस झटके के दौरान आपका कोई भी माउंट या ब्रैकेट वीक होगा तो उसी वक्त वो टूट जाएगा, तो इस वजह से हमने अच्छी ब्लैक के अंदर उसके पुराने माउंट से पटवारजी वाले उनकी करवा दी छुट्टी, और इसी जगह हमने टोयोटा कैमरे का मोटा फुल टाइम हैवी ड्यूटी माउंट अपनी गाड़ी के विचड़े से किया है। कल हमने टोयोटा कैमरे के माउंट के लिहाज से अपनी गाड़ी के ब्रैकेट सर्किट सेट करके उसके ऊपर लोहे की पत्तियां छतियां लगा के उसके ऊपर टूच लगा के उसका फर्मा रेडी कर लिया था, आज हम पूरे का पूरा माउंट उतार के लेके जाएंगे वेल्डर वाले के पास, उनके ऊपर जाए करवाएंगे ऑर्गन वेल्डिंग, ताकि हमारे हैवी ड्यूटी मोड्स वाला जो काम है फुल टाइम जी लकड़ अजम पत्थर अजम हो जाए। तो आइए बगैर किसी देरी के जी अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं, जितने काम शाम आज हम मुका के आ सकते होंगे सारे के सारे मुका के आते हैं। ये चेक करो उस्ताद जी, लगता है मुमताज बेगम हमारे से नाराज हो गई है, ये देखें जी मुंह बना के बैठ गया है। ओ हेलो हेलो मुमताज बेगम, हाँ जी कुर्सी चाहिए आपको, कुर्सी चाहिए, हाँ जी बच्ची दुम ला रही है, आ जाते हैं मैं कुर्सी पर बैठावा, आ जा नाराज नहीं हुआ मेरा पुत्र, हाँ जी आप हमारी मुमताज बेगम यहाँ पे खुश हो गया, चल मेरा पुत्र जिंदा रहा। काली साहब हमारे यहाँ पे जो फुल टाइम मट्टी मट्टी हुए, मैं काफी देर हो गई मैंने गाड़ी को चलाया चलाया नहीं है, मैं कह रहा हूँ एक बार इसके जो रैगा मास्टर हमने पेंट शेंट होने के दिए हैं वो पेंट शेंट होकर वापस आ जाए, उसको गाड़ी के ऊपर फिट शिट करके सोनी सी फिटमेंट बना के फिर हम गाड़ी को उस आज इतने उत्थे लेके जाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल एंट्री मारते हैं जी अब्बा जी की एचडीवी के बीच, और सोना के बीच, और चिलेसी के साथ अपनी मंजिल की तरफ पर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले उस्ताद जी खुल जा सिम सिम, हेलो हेलो ए तो उस्ताद जी ये वाला स्कैम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, फ्रेश मेरे हाथ नाल एंट्री फॉर यू गड्डी दोगे उस्ताद जी सी यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर, फिर मेरा गोडा फंस गया जी, सैड लाइफ आज हमारे लगता है सितारे गर्दिश में नहीं है। सबसे पहले उस्ताद जी हमेशा की तरह फ्रेश स्टार्ट फॉर यू, पेट्रोल की सूरत हाल पे हैं उस्ताद जी चेक करते हैं, अच्छा जी वो तो पागल तो नहीं हो गया है, बकवास कर रहा है इन्हें इग्नोर करो उस्ताद जी, पेट्रोल हमारा है जी तकरीबन कोई 3 आधे से काम, गाड़ी मारी यहाँ पे गर्म शर्म हो गई है, तो हूँ मैं थोड़ा जहा ठंडा ठंडा हो जा फ्रेश चिल आईसी फॉर यू उस्ताद जी, ये तो हीटर चल गया थले आए पुत्र, हाँ जी हूँ फ्रेश चिल आईसी फॉर यू। एक बार फिर हम मौजूद हैं जी खान ग्रुप पे लाला जी मेरे फ्रेंड को, और यहाँ पे वक्त बदल गया है, जिस बात बदल गए हैं मौसम के हालात बदल गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे फुल टाइम जी तपती तपती धूप निकली हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे सुकून माहौल थे, मीठे चावल का इंतजाम हो गया, ठंडी ठाक हवाएं चल रही हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दरख्तों की शाखें सजे खपे जा रही हैं, और राजेश जी डेंटर यहाँ पे अपनों में ईद मना रहे हैं। अफशी ब्लैक हमारी यहाँ पे फिलहाल सिंगल पीस कफन के अंदर दफन हुई हुई है, उसके साथ आपको एक टोटल जैन नो टचिंग वाली आर्क शेड नजर आती है,
उसके साथ आपको एक नजर आती है K20 टाइप आर वाली, मेरी खब्बी साइड पर यहाँ पे आपको नजर आती है जी अबाजी कैचर भी 16 के एवरेज एंड जीएलएसी फॉर यू। सबसे पहले हमने जाके हबशी ब्लैक के जो माउंट्स है वो उतार रहे हैं और उनके ऊपर जाके हमने करवाई जी फ्रेश ऑर्गन वेल्डिंग फॉर यू। हबशी ब्लैक के दोनों फ्रंट मेन माउंट्स यहाँ पे हमने उतार के रख दिए, दोनों के ऊपर जाके हमने करानी है जी फ्रेश ऑर्गन वेल्डिंग फॉर यू। अब ये जो हमारी सजी साइड पे पड़ा है ये हमारा इंजन का फ्रंट मेन माउंट है और हमारी जो खब्बी साइड पे पड़ा है ये हमारे गियर का फ्रंट मेन माउंट है। गियर वाले माउंट के अंदर हमने क्या अल्ट्रेशन किया है दोस्तों जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो हिस्सा है ये टोटा कैमरे का माउंट है और नीचे जो गोल गप्पा बना हुआ है ये हमारा अपना ओरिजिनल माउंट है। तो गियर वाले माउंट के ऊपर हमने यहाँ से जाके सारे के सारे ऑर्गन वेल्डिंग करवानी है, उसके बाद मेन माउंट के ऊपर आए तो ये सारा का सारा आज ही कस्टम मेड है। ये जो गोल वाला हिस्सा है ये टोटा कैमरे का माउंट है, उसके ऊपर हमने यहाँ पे एक लोहे की पतरी बनाई है सपोर्ट के लिए और ये एक मेन पतरी बनाई है जो कि जाके हमारे ब्रैकेट के ऊपर सीधा फिट होती है। जब इंजन नीचे वाली साइड से जोर मारेगा तो ये ऊपर लोहे वाली पतरी सपोर्ट करेगी और जब ऊपर वाली साइड से जोर मारेगा तो साज नीचे ये वाला डंडा इसको सपोर्ट करेगा। फुल टाइम जी यहाँ पे हमने लकड़ अजम पत्थर अजम काम कर दिया, अब दोनों माउंट चुके हैं और दोनों के ऊपर जाके उस्ताद जी फ्रेश आर्गन वेल्डिंग करवाती है। दोनों माउंट्स के ऊपर यहाँ पे हमने ऑर्गन वेल्डिंग करवा लिया है, गियर वाले के ऊपर भी और इंजन के फ्रंट माउंट के ऊपर भी और हर एंगल से हमने वेल्डिंग करवाई है। एक को जी पीछे से साइडो से और अंदर वाली साइड से हमने उस्ताद जी यहाँ पे ऑर्गन वेल्डिंग करवाई है और यहाँ पे हमारे जो दोनों माउंट्स वाला काम है फुल टाइम जी लकड़ एकदम पत्थर एकदम हो गया है। अब ये जो माउंट के नीचे वाला गोल गप्पा मींगा हुआ है राजा जी डेंटर आके इसको उस्ताद जी सीधा पतरा करके रख देंगे ताकि हमारी जो गोल गोल बुशिंग है वो तिलक के माउंट के अंदर जाए। राजा जी डेंटर है यहाँ पे हमारे माउंट को उस्ताद जी गरम शरम करके उसके ऊपर ठोका ठाके करके आप देखते हैं उस्ताद फुल टाइम यहाँ पे गोल गोल करके रख दिया। अब हमारा जो बुश है उस्ताद जी तिलक के माउंट के अंदर जाएगा। आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी वधु सारी मेहनत मशक्कत करने के बाद हम फ्रंट वाले दोनों माउंट फिट करने में उस्ताद जी कामयाब हो चुके हैं। सबसे पहले जो गियर वाला माउंट था उस्ताद जी वो तो ऐसे फिट होया जैसे सुहाव काम उस्ताद जी तिलक के अंदर गया और यहाँ पे टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हो गया। लेकिन जो इंजन साइड वाला माउंट था उस्ताद जी इसकी वजह से हमें वधु सारी सरखपाई करनी पड़ी है क्योंकि जो इंजन माउंट के ऊपर वाली पत्ती थी ये जाके हमारे हेडर के साथ टच थी तो फिर हमने ऊपर वाली पत्री को हल्का सा ग्राइंड किया साहब में हेडर को भी हल्का सा ग्राइंड किया और आप देखते हैं यहाँ पे उस्ताद जी बहुत नीड़े नीड़े काम है बहुत नाजुक सूरत आ रहा है लेकिन उस्ताद जी दोनों माउंट्स लगने के बाद हमारा जो काम है यहाँ पे फुल टाइम लकड़ अजम पत्थर अजम हो गया। एक तो उस्ताद जी मुझे समझ नहीं आती कि बारिश के साथ मेरा कौन सा शरीका लैस चल रहा है कि जब भी मेरी गाड़ी के काम शाम की शुरुआत होने वाली होती है बीच में बारिश होती है जिसकी वजह से हमारी गाड़ी जितने भी काम शाम होते हैं उनको लग जाती है ब्रेक। अभी भी वैसे ही होया हम गियर के ब्रैकेट को सेटमेट करने लगे थे लेकिन बीच में बारिश शुरू हो गई जिसकी वजह से हमारा जो काम था उसको लग गई ब्रेक और इस छोटी सी ब्रेक में हम अपना पुराना रेडिएटर चुकेंगे और सीधा जाएंगे इत्तेफाक ऑटो पे और उनसे जाके पूछेंगे कि क्या उनके पास इस शक्ल सूरत का कोई रेडिएटर पड़ा हुआ है कि नहीं। लेकिन इत्तेफाक ऑटो जाने से पहले हम थोड़ा सा मौसम एंजॉय करेंगे विद पाल दानेदार लगे ठा करके वाली चाय फॉर यू। चाय शाय हमने यहाँ पे पी लिया और अभी फिलहाल हम यहाँ पे समंदर खान के साथ जा रहे हैं इत्तेफाक ऑटो पे नया रेडिएटर लेने। उसके अलावा ये जो रोड देख रहे हैं आप उस्ताद ये बड़ी खतरनाक रोड है बारिश के मौसम में, यहाँ पे लोग ऐसे बचते हैं जैसे सुहाव काम हो तो आपने जब भी बारिश के मौसम में ये रोड क्रॉस करनी है हमेशा एहतियात के साथ करनी है। फ्रेश इत्तेफाक ऑटो से पूछा रेडिएटर का लेकिन हमें यहाँ पे किसी किस्म की कामयाबी नसीब नहीं हुई। ये ना कटस का रेडिएटर है ना खैबर का है ना स्विफ्ट का है ना कोरे ऑटो का है ना कोरे मैनुअल का। अब हम यहाँ से उस्ताद जी आगे जा रहे हैं बारिश के अंदर तनवीर ऑटो पे, वहाँ जाके उस्ताद जी अपनी किस्मत आजमाते हैं। तनवीर ऑटो से भी ऑटो पता कर लिया लेकिन वहाँ से भी हमें ये रेडिएटर नहीं मिला, पता नहीं कौन सी नस्ल का रेडिएटर हमारी गाड़ी के अंदर लगा हुआ है जो कि मिलने का नाम नहीं ले रहा। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे उस्ताद जी बिल्ला कुत्ता बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब हम थोड़ी देर शेल्टर में खड़े रहे हैं, अब बारिश यहाँ पे उस्ताद जी कम शाम हुई है तो अब हम आगे जाएंगे मदीना ऑटो पे अपने रेडिएटर का पता शता करने। लो जी मदीना ऑटो से भी पता कर लिया है लेकिन यहाँ से भी हमें रेडिएटर नहीं लगा। तो आज ही हमने अपने अंदर बार का जोर लगा लिया लेकिन कहीं भी आस पास से हमें रेडिएटर नहीं लगा। अभी हम जूझ जी अपने फ्रेंड टायर बाय टका टका मैन एक्सपर्ट के साथ ऑन ही CG15 बची सची टायर काला चश्मा आते हैं हथ मारो लेट और आज अभी हम जा रहे हैं अपने रेडिएटर का कोई हिसाब किताब लगाने। ये टायर भाई यहाँ पे गलती से शकील ऑटो की जगह हलीम ऑटो आ गए कुजी लीम पे। उस्ताद जी शकील ऑटो जाना हलीम ऑटो नहीं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ओके जी ये हम जिया पान शॉप पे आ गए हैं। अब दुकान पे ना चंगा बड़ा रश है टायर पे बीच में जा गए पहले मैंने पान दे। अब बंदे ने टायर पे ऐसे करके देखा जैसे उस्ताद जी फुल टाइम चिंडू चिड़ी सीन होने वाला हो, वो तो उस्ताद जी बंदे जा थे तो बचत होगी वरना उस्ताद जी बड़ी चिंडा पै रही थी यार के बंदे वाले काम ये कर रहे हैं पहले मैंने पान दे। सारा दिन सर्ची मर्ची करने के बाद आखिरकार हम रेडिएटर लगने में कामयाब हो गए। उस्ताद जी ये चेक करें साबिर भाई ओपनिंग सेरेमनी करें। क्या बात है जी क्या बात है, फ्रेश काबली रेडिएटर हमने मंगवाया स्ट्रेट फ्रॉम बलालगंज। कंडीशन चेक करें उस्ताद जी आप, कोई भी जाली ब्लॉक ब्लॉक नहीं है, टोटल जी नहीं नो टचिंग वाला काम है, ना कोई जंग है ना कुछ और है। यहाँ पे उस्ताद जी हमारे रेडिएटर की चस आ गई है, ये देखें जी फ्रेश नया ढक्कन
रंग बिरंगे ऊपर रंग लगे हुए हैं। यहाँ पे लगता है हमारा रेडिएटर होली खेल के आया। और उस्ताद जी डबल जाली वाला है, मैं नाश्ता नहीं किया। ये चेक करें जी, साफ सुथरा अंदर से। क्या बात है जी, क्या बात है, हमारे सारे दिन की मेहनत उस्ताद जी आखिरकार रंग ले आई है। यहाँ पे सप्तान साहब, अबू बकर साहब और उस्मान साहब हमारे रेडिएटर को गाड़ी के अंदर फिट कर रहे हैं। मैं फिलहाल ताहिर भाई के साथ जा रहा हूँ जी सामने, मैक्स पावर गाड़ी का डायनो देखन। मोटर के 24 का गेड़ा करवाओ दोस्तों, आज सबसे पहले हम आए थे इसके हेड के ऊपर। तो इसके हेड के अंदर ड्रैग कार्टर की स्टेज 4 कैम्स लगी हुई है, गियर इसके अंदर 6 स्पीड फॉरवर्ड एलएसडी गियर लगा हुआ है। उसके बाद टोटल बॉडी के ऊपर आए तो इसको 90 एमएम की टोटल बॉडी लगी हुई है। उसके बाद इसके इंजेक्टर्स के ऊपर आए तो इसके अंदर 1000 सीसी इंजेक्टर्स लगे हुए एएम के फ्यूल रेल के साथ। उसके बाद गाड़ी के इंटेक मैनिफोल्ड के ऊपर आ जाए तो इसको स्कंक 2 अल्ट्रा का इंटेक मैनिफोल्ड लगा है, फुल टाइम जी बड़े स्पेसर के साथ। उसके बाद बाकी चीज यूम इंजन के ऊपर आ जाए तो इसको ओरिजिनल कार्बन फाइबर का स्ट्रट बार लगा हुआ है। गाड़ी के माउंट्स के ऊपर आ जाए तो इसको हैशबोर्ड के माउंट्स लगे हुए हैं, इथे भी उस्ताद जी पीछे भी। उसके बाद गाड़ी के हेडर्स के ऊपर आ जाए तो इसको म्यूगन के 4-1 के आफ्टर मार्केट हेडर्स लगे हुए हैं। उसके अलावा गाड़ी के अंदर ट्विन प्लेट क्लच है, हाई कंप्रेशन पिस्टन है, एआरपी हेड स्टार्ट है और उस्ताद जी उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मुझे गाड़ी के विचखड़ी की गई है। हबशी ब्लैक के बड़े पुराने सादे पेट्रोल के ऊपर पंप गैस के ऊपर 263 व्हील हॉर्स पावर जाने का लिया है। अभी गाड़ी के अंदर छोटे मोटे मसले वगैरह भी हैं, वो भी सेटमेंट होने वाले हैं इंशाल्लाह। कल हम गाड़ी को एथेनॉल पे करके इसका फाइनल डायनो रन मारेंगे। अब एथेनॉल के ऊपर गाड़ी कितनी जाने का लिया कितनी नहीं जाने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी की नेक्स्ट एपिसोड। उसके अलावा उस्ताद जी माशाल्लाह से बहुत ही वैशी ऑल मोटर के 24/2000 हैच फॉर यू। लाल जी मैं फ्रेंड के साथ जा रहे हैं जी, हबशी ब्लैक के बड़े भरा का वैशी मारना मारने 263 व्हील हॉर्स पावर सारे पेट्रोल पे। उस्ताद जी पहले 3 गियर फुल व्हील स्पीड नो ग्रिप। लो जी एक बार फिर जितने भी काम शाम होने वाले थे सारे के सारे हमने निकाल लिए हैं। हबशी ब्लैक के बड़े पर आके हमने वैशी मांडे भी मार लिए हैं। अब यहाँ पे अपने गियर के ब्रैकेट को सही करने का काम शाम कर रहे हैं। ये आप चेक करते हैं फ्रेश मूस चुके हैं हम मारे गियर वाले ब्रैकेट के अंदर। उसके अंदर सारे के सारे उस्ताद जी हम बना रहे हैं चूड़ियाँ बनाने के बाद हम करेंगे उस्ताद जी घर जाके आराम। और कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग आके जहाँ से हमारा ब्रैकेट टूटा है उसके ऊपर कराएंगे फ्रेश आर्गन वेल्डिंग। और हमारा जो काम है यहाँ पे उस्ताद जी फुल टाइम लग रहा है पत्थर दम हो जाएगा, तब तक के लिए हम खाएंगे उस्ताद जी यहाँ पे खुले और छोले बट साहब के साथ, दूसरे बट साहब के साथ और लाल जी मैं फ्रेंड के साथ। मूस मार के ब्रैकेट और माउंट को फिट शीट करने वाला जो उस्ताद जी काम था वो हमने यहाँ पे सारा का सारा खड़का के रख दिया। ये तुम चेक कर दो हमारा यहाँ पे माउंट फुल टाइम लकड़ जम पत्थर जम हो गया। अब हम कल जाके इसके ऊपर करवा रहे हैं उस्ताद जी ऑर्गन वेल्डिंग। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।